पूछो क्या नाम है भाई आपका। हमारा नाम एजाज अहमद दानिश, कंज मुरादाबाद निवासी, जिला उन्नाव का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी शादी 16/11/2019 को उन्नाव के मोहल्ला थाली सराय के रुखसार उत्तरी कलीम खां से हुई थी। एक महीना वो हमारे साथ रहीं, एक महीने बाद जो है हम एक दिन उनके बाप उन्हें लेने आए। हम ऑफिस में थे और उनका हमारे पास फ़ोन है, हमने कहा ठीक है तुम चली जाओ। और जब हम घर लौट के आए तो हमने जब देखा तो हमारा सारा 50,000 रुपया प्लस सारा जेवर बैठ तगर से। तो हमने जब इन्हें फ़ोन किया तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमें तुम्हारा रहना नहीं है और हमें तलाक चाहिए। उसके बाद हम काफ़ी शॉक्ड हो गए। 2-3 दिन तो हम अपना दिमागी संतुलन हमने खो दिया। फिर हम थोड़ा हाउस में आए, फिर हमने सुना तो काफ़ी कोशिशें की। हमारे रिश्तेदार भी इनके वहाँ गए इनको मनाने के लिए, लेकिन इन्होंने खुले अल्फाज में कह दिया कि हमें नहीं लिया रहना है, हमें तलाक चाहिए। हमें तलाक हमें जो है नोटिसें भी भेजी गई तलाक की। तो फिर उसके बाद हमने इनके ऊपर एक विदाई का मुकदमा डाला था कि ताकि हमारे साथ रह सके। लेकिन 26 तारीख को करीब 4 बजे शाम में ये हमारे घर पे इनके हमारे ससुर सास, हमारे जो है दोनों साले और साली, साली के हस्बैंड सब आए और अचानक जो है गाली गलौज करने लगे। वगैरह बोले कि हमारे साली अकरम जो हमारे साड़ू हैं वो हमसे गाली गलौज करने लगे। बोले कि हमारे साली को तलाक दो साले, वरना तुम्हें उल्टा फंसा देंगे, दुनिया भर की हमें जो है हमारी बेइज्जती की। उस वक्त मौके पे हम अनुराग मिश्रा जी सुबह हमसे मिलने आए थे, हमारे दोस्त हैं जो कि वो भी साथ में थे। फिर हमें जबरदस्ती चौकी बुलाया, चौकी में एक उनके साथ में सैनाज जो अपने आप को महिला मोर्चा की नेता बताती हैं, उन्हीं ने उनके साथ एक सैफ थे, उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया कि तलाक दो वरना तुम्हें झूठा फंसा देंगे। और हमने पैसे की मांग की, जब हमने उनकी मांग नहीं की तो उन्होंने काफ़ी धमकियाँ दी और हमारे पर झूठा केस भी किया। अब क्या कहते हैं आप? हम सर इंसाफ चाहते हैं। हमने अपना जो है एक पोर्टल पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने शिकायत पत्र डाला है और एक हमने एसपी साहब को भी दिया हुआ है। और हमें जो है सरकार भरोसा हमें इंसाफ मिलेगा और हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ बीच के जो दलाल लोग हैं जो घर तुड़वाने हमेशा लगे रहते हैं, इनके चक्कर में हो सकता है हमारा घर छूट भी जाए। लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मामले समझना चाहिए। बस हम इंसाफ चाहते हैं सर। और हमारे ना माँ हैं ना बाप हैं, हम लोग यतीम हैं और हम एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं और हम अपने भाइयों को पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमें लग रहा है हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी।